हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रसोई रानी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चोको लावा केक। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने चॉइस की कोई भी चॉकलेट क्रीम बिस्किट ले लें। मैंने यहाँ पर 3 पैकेट बिस्किट लिया है, आप चाहे तो अधिक भी ले सकते हैं। सबसे पहले बिस्किट से हम क्रीम को अलग करके रखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर सारा क्रीम निकाल लिया है। फिर हम बिस्किट को छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच चीनी डाल देंगे। और इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए, हमारा पाउडर रेडी है। अब हम एक गहरे बर्तन में थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख देंगे। फिर केक बनाने के लिए हम एक बर्तन को तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब चलिए बैटर बनाते हैं। इसके लिए हम बिस्किट के पाउडर में आवश्यकता अनुसार दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए, हमारा बैटर बनके रेडी है। अब हम आधा बैटर ग्रीस किए हुए बर्तन में डालेंगे। देखिए, हमने आधा बैटर बचा लिया है। अब हम उबलते हुए पानी में एक स्टैंड रखकर उसके ऊपर ये रख देंगे। अब हम इसे एक साफ और मोटे तौलिए से कवर कर देंगे। फिर उसके ऊपर हम एक ढक्कन रख देंगे जो उसके बराबर का हो, और फिर इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ऐसा करने से पानी का भाप तौलिया सोख लेगा और उसे केक में नहीं गिरने देगा। 5 मिनट पकने के बाद ये सेट हो गया है। अब हमने जो बिस्किट का क्रीम निकाल के रखा था, उसे हम एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे। अब हम बचे हुए बैटर को इसके ऊपर डाल देंगे। फिर हम उसे वैसे ही तौलिए से कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। देखिए, हमारा केक बनकर रेडी है। अब हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इसे हमें ऊपर ऊपर ही चेक करना है, क्योंकि बीच में हमने जो क्रीम डाला था वो पिघल चुका है। इसे हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। अब इसे हम एक बर्तन पे पलट देंगे। देखिए, हमारा केक कितना बढ़िया बना है। चलिए, मैं अब इसे काट कर दिखाऊंगी कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट और क्रीमी बना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी ऐसी आसान सी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।